हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रुपी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रुपी। नंबर ए 15 पैसे, नंबर बी 40 पैसे, सी 890 पैसे, डी 3 रुपी 14 पैसे, ई 74 रुपीस 80 पैसे, एफ 614 रुपीस 38 पैसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये जो पैसे में दिया गया इसे रुपी में कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट इनटू रुपी 15 पैसे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। हाउ मेनी पैसे इन 1 रुपी? आप स्टार्टिंग से भी इसे जान रहे हैं कि 1 रुपए में जो है 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पैसे को रुपी जब बनाएंगे तो हम 15 पैसे में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 पैसे आपकी स्क्रीन पर है सॉल्यूशन। 15 पैसे 15/100। ओके, 15/100 0.15 रुपीस। ओके, क्योंकि हमने आपको इससे पहले बताया है कि अगर अपन 100 है दो जीरो वाले नंबर, तो आप दो स्टेप पहले आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ओके, सेम टू नंबर बी 40 पैसे इज इक्वल टू 40/100। ओके, तो आपका हो जाएगा 0.40, यानी दो जीरो अगर हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम ऊपर दो स्टेप बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। ओके, नेक्स्ट नंबर सी 819 पैसे, 819/100, और जब आप इसको डिवीजन करेंगे 100 का 890 में, तो 8 आपका क्वेश्चन आएगा, या ऐसे आप कर लीजिए 8 क्वेश्चन 0.19। आप डेसिमल में अगर डिवीजन करते हैं तो आपका ये आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप दो जीरो है बैक साइड से, दो जीरो आप डेसिमल यूज कर लीजिए। ओके, 8.19 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर डी 3 रुपी 40 पैसे। ओके, 3 रुपी प्लस ये जो 14 पैसे है इसको आप रुपी में कन्वर्ट कर लीजिए, 14/100। ओके, तो 3 रुपी प्लस 0.14 रुपीस, क्योंकि अभी इसको 14 पैसे को मैंने ऊपर कन्वर्ट करके आपको सिखाया है किस तरीके आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। 14 पैसे 0.14। ओके, 3 रुपी आप डाउन साइड में नोट कर लीजिएगा, फिर आप 0.14 को इसी में ऐड कर लीजिए, तो 3.14। अब एडिशन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने बताया था पहले आप लाइक टर्म करते हैं, ठीक है ना, 3.00, फिर नेक्स्ट है 0.14। अब इसे क्या करना है, ऐड। ओके, 4.14। ओके, सेम टू क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस मीटर। अब यहाँ देखिए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है। ए है 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इस 8 मिलीमीटर में 1000 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पर आ गया। 8 मिलीमीटर मैंने बताया था, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। जब हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर मीटर को मिलीमीटर में करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है ना, तो 8/1000 हमारा आ गया 0.008, क्योंकि 3 आपके 0 3 0 होते हैं, तो 3 स्टेप पहले आप क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जैसे आपको यहाँ पे रिटर्न में समझा देता हूँ, जैसे आपको 8/1000 है तो आप यहाँ काउंट करिए 0 1 2 3, तो आप पहले 8 राइट कीजिए, फिर इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगाइए, देखिए आप 3 डिजिट डेसिमल, फिर इसके आगे 1 जीरो लगा दीजिए। ओके, देखिए यही हुआ है आपका। नेक्स्ट भी 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अपन 100 कर देंगे, फिर 2 स्टेप पे आप डेसिमल यूज कर लेंगे। ओके, नंबर सी 784
सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना मीटर में, 100 से इसमें अभी हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ओके, 784 में जब 100 से हम डिवीजन करते हैं तो दो स्टेप पे डेसिमल यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप दो स्टेप पे आप डेसिमल यूज कर देंगे, आपका 7.84 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, 5 मीटर 9 सेंटीमीटर, 5 मीटर + 9 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 9/100। ओके, तो 9/100 मीटर जब हम सॉल्व करते हैं, 5 मीटर + 0.09 मीटर। ओके, फिर दोनों को सम करना, अभी मैंने प्रीवियस टाइम में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया था कैसे ऐड करेंगे, लाइक टर्म में कन्वर्ट करके आप ऐड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस किलोमीटर। कहने का मतलब अब यहाँ पे जो दिया गया वो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर दिया गया, सेंटीमीटर दिया, इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट है 9 मीटर, सेकंड बी 67 मीटर, सी 139 सेंटीमीटर, डी 2 किलोमीटर 17 मीटर, ई 967 किलोमीटर 3 मीटर। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट, 9 मीटर, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। ओके, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 है, तो 3 स्टेप पहले यानी 0.009 किलोमीटर। ओके, सेम टू बी, बी भी इसी तरीके सॉल्यूशन है, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर डी सेंटीमीटर में है, अब इसको देख लीजिए आप, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर एंड 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो आपका अपान होगा 100 × 1000, तो ये आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो अब यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 स्टेप आप पहले आपको डेसिमल यूज करना है, तो 1, 2, 3, दो जीरो और लगाएंगे फिर पॉइंट लगा देंगे, देखिए आंसर में आपका 0.00139। ओके, डी का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, 2 किलोमीटर 17 मीटर, तो 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी वो चेंज है, आपको 17 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो प्लस 17/1000 किलोमीटर। ओके, तो 2 किलोमीटर + 0.017 किलोमीटर ऐड कर देंगे आप, 2.017 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोग्राम, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किलोमीटर में कन्वर्ट किया उसी तरीके किलोग्राम भी आएगा, सिर्फ आपका यूनिट चेंज है, जैसे किलोग्राम मीटर ये चेंज है, बाकी सॉल्यूशन आपका वही है, सॉल्यूशन आप उसी के जैसा करेंगे। ओके, नंबर ए 5 ग्राम, नंबर ए आपका है 5 ग्राम, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। ओके, तो इसमें 1000 से हम क्या करेंगे, डिवीजन। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, 5 ग्राम, 5/1000। ओके, अब 3 स्टेप पे आपको क्या यूज करना है, डेसिमल, तो 0.005 आपका आ जाएगा। ओके, बी में देखिए 200 ग्राम, 200/1000, 3 स्टेप पे है, तो 3 स्टेप पहले आप क्या लगा देंगे, डेसिमल, 0.200 kg आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी 9172 ग्राम/1000, और 3 स्टेप पर लगाना है, तो 271 को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका आएगा 91 के बीच में, तो 9.172 kg, या फिर 9 kg 172 ग्राम। अब आप इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 170/1000 करके कर लेंगे तब भी आ जाएगा आपका। डी में देखिए 15 kg + 40 ग्राम, ठीक है ना, बीच में प्लस आप इंक्लूड करिएगा क्योंकि आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जब इसे हम 40/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.040। ओके, और जब सॉल्यूशन करेंगे 15 kg + 0.40 का, तो 15.040 आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप जैसे पहले मैंने अभी आपको सिखाया, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीटर, सेम आपका देखिए ये लीटर में कह रहा है, वहाँ पे आया था मीटर किलोग्राम किलोमीटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, 67 ml है, मिली लीटर है, जहाँ मिलीमीटर होता था वहाँ मिली लीटर है, कन्वर्ट करना है लीटर, तो 1 meter = 1000 millimeter, तो यहाँ 1 liter = 1000 milliliter, तो इसमें 1000 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो 1000 से देखिए जब डिवीजन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है, 67 ml, ठीक,
तो 67/1000 थ्री स्टेप पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके देखिए 67 थ्री स्टेप पे यूज करना, एक आप जीरो बनाइए, देखिए ये थ्री आपका डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल लगा के आगे जीरो बना दीजिए, हो गया, ठीक है। आप आंसर मैच करिए 0.067। नंबर बी में देखिए 462 मिली लीटर, तो 462/1000 ठीक है, थ्री स्टेप पे आप डेसिमल यूज कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द बिग डेजर्ट कूलर वेज 12 kg 45 g एंड ए मिनी रूम कूलर वेज 8555 g, फाइंड देयर वेट्स इन केजी। आपको जो है दोनों वेट को जो है केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट कर, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ आप कन्वर्ट कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 6 का सॉल्यूशन आप यहाँ देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। वेट ऑफ बिग डेजर्ट कूलर दिया हुआ है 12 kg 45 g, ओके। तो 12 kg + 45/1000, अभी मैंने पहले ही भी बताया कि ग्राम किलोग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 kg = 1000 g, ओके। तो फिर जब इसको डिसिमल बनाएंगे तो 0.045 आएगा, फिर 12 से जब ऐड करेंगे तो 12.045 kg आ जाएगा, ओके। सेकेंड स्टेप में कहा है कि वेट आपको केजी में बताना, वो भी किसका, मिनी रूम कूलर का। वेट ऑफ मिनी रूम कूलर इज इक्वल टू 8555 g में दिया है, तो आप 1000 करेंगे और थ्री स्टेप पे आप क्या यूज करेंगे, डेसिमल, तो 8.55 kg आ जाएगा, ओके। 7a, क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर ए है, द लेंथ ऑफ ए कैलकुलेटर, द लेंथ ऑफ ए कैलकुलेटर इज 12 cm 4 mm, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको इन्हीं को आपको मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप सीधे लिखिएगा द लेंथ ऑफ ए कैलकुलेटर, ठीक है ना। आप 12 cm 4 mm को सेंटीमीटर बनाना है, तो 12 ऑलरेडी तो है प्लस, अब 4/10 क्योंकि मिली सेंटी सेकेंड स्टेप पे आता है, तो अपान 10 यानी 1 cm में 10 mm होते हैं, अपान 10, तो ये हो जाएगा 12 + 0.4। अब 0.4 क्यों हुआ, क्योंकि एक जीरो है और एक जीरो होता है तो एक स्टेप पहले डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐड करने पर 12.4 आपका आ जाएगा, 12.4, ओके। अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए 12 सेंटीमीटर, आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, लेंथ ऑफ ए कैलकुलेटर 12 cm 4 mm, ओके, आपकी स्क्रीन पर है इस समय। 12 cm + 4/10, 12 cm + 0.4 cm, और ऐड करने पर आया 12.4 cm, ओके, ये आपका आंसर हो गया। बी में क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, द साइड ऑफ ए डाइस इज 13 mm, एक डाइस है जिसका एक साइड है 13 mm, व्हाट विल बी ईट साइड इन सेंटीमीटर। सेम आपका ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इनका भी सॉल्यूशन मैं यहीं बता देता हूँ। साइड पहले आपका सेंटेंस बनेगा, साइड ऑफ ए डाइस या लेंथ ऑफ ए डाइस, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, 13 mm है, ओके, तो आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप इक्वल लगाएंगे सेंटेंस बनाने के बाद 13/10। अब 13/10 कर देंगे तो मिलीमीटर से ये